Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am talking to my student of class matric class 10. And hope you are all present and you will just enjoy this very lecture. This you see that it is a greatest about grammar. That is perfect continuous. Perfect, what is perfect continuous? What is perfect continuous? It is a tense. It is a tense. And all the tenses are written in form of sentences. हम जो भी कोई भी जमाने की बात करें लिखेंगे जुमले की शक्ल. जब हम लिखते हैं तो हम याद रखिए कि we always write in sentences whatever tenses and whatever tenses whatever sentence we write. It is our speaking, it is our speech, it is our talking, it is our conversation. हम जब गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, लिखते हैं, सब जुमलों में ही तो करते हैं. जुमले के बाहर जो बात है, सब में कुछ जुमले होते हैं. जुमले ना मुकम्मल हो या अधूरे हो गए तो जुमले. जैसे फ्रेजेस कहते हैं फिकरा. फ्रेज वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड फिकरा. लेकिन क्या है तो जुमला की जुमले का एक पैटर्न है, जुमले का हिस्सा है, टुकड़ा है, लाइक दिस. और तो हम इससे पहले परफेक्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर चुके हैं क्लास में और ऑनलाइन में हम जस्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसमें एक चीज बहुत अहम है कि मैंने इसमें दो जुमले इस्तेमाल किए हैं और दो जुमलों में वर्ब जो इस्तेमाल किया है उसको जरा सा बच्चे कंफ्यूज हुए. मिसाल के तौर पर यह है कि मैं काम करती हूं. अब बहुत से लोग बच्चे कहेंगे आई डू काम, आई डू वर्क. उनके जहन में दो बातें नहीं है कि डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब समझ रहे हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब भी तो हो सकता है. डू ना इज नॉट ओनली हेल्पिंग, इट इज आल्सो वर्ब. इट कैन बी योर मेन वर्ब. तो हियर क्या वी सी, आई हैव बीन वर्किंग अप. क्या भाई मैं काम करती हूँ ये परफेक्ट है. ये कैसे पता कि ये जुमले लिखे दोनों परफेक्ट कंटिन्यूस के, कैसे पता चला? कौन बताएगा परफेक्ट कंटिन्यूस? परफेक्ट कंटिन्यूस एक ही चीज बताती है कि जब हम यहाँ उर्दू में देखते हैं ना तो कोई चीज ऐसा लगे जो वो गुज़िश्ता दौर से होती आई. मिसाल के तौर पे सुबह सुबह आप पूरी खिड़की में झांक के देखो बाहर सुबह गीला है. अम्मी ने कहा सारी रात बारिश होती रही है, सारी रात बारिश होती रही है. अब बंद हो गई लेकिन सारी रात नहीं. या सुबह उठ के देखो अरे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, सारी रात होती रही है. क्या मतलब? कोई चीज गुज़िश्ता से व्यवस्था, जो चीज गुज़िश्ता से व्यवस्था हो, गुज़िश्ता दौर से आज के दौर तक आई हो या रुक गई हो, कंटिन्यू, वो कहलाएगा परफेक्ट कंटिन्यू. क्या? अब अंग्रेजी में कैसे पता चले? अंग्रेजी में एक बार कंटिन्यू इज वर्किंग टू कंटिन्यू, लेकिन इससे पहले हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन, यानी इससे पहले बीन जरूर होगा. कंटिन्यू के साथ बीन जरूर होगा. बीन बीन बदली उसके साथ टिंग फॉर्म, बीन टिंग, बीन वर्किंग, बीन हेल्पिंग, बीन लॉकिंग, बीन टीचिंग, बीन स्टडी. तो बीन के साथ जब आईएनजी फॉर्म यानी प्रोग्रेस की फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जस्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल हो जाए तो ये कहलाता है परफेक्ट कंटिन्यूस. अब ये कैसे पता चले कि प्रेजेंट परफेक्ट है? ये परफेक्ट हैंडल बन गया ना, कंटिन्यूस थिंग फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूस बीन यूज कर लिया, बीन पर. अब प्रेजेंट है कि नहीं? यहां देखो इसके आगे बोल हूं, बारिश होती रही है, काम करती रही हूं. उसने कहा भाई काम क्या कर रही हो? ये तुम खाना पका रही? अरे मैं तो बच्चों से पकाती रही हूँ. क्या लड़के से कहा भाई भूखा के जा रो, तो 10 साल खेलते रहे भाई, है ना. तो जब कोई कोई काम करता हूँ का मतलब है अभी भी है, अब आज के बाद भी काम है, दैट मीन हूँ का मतलब है प्रेजेंट. और यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है होगा या है होगा, दो में से आई है, यू है, वी है, दे है, लेकिन ही और शी इज होगा. तो अगर वो काम करती रही तो शी हैज बीन हो जाए. यू मस्ट नो दैट वेरी डिफरेंस बिटवीन हैव एंड हैज. तो हैव बीन और हैज बीन, व्हेन यू फाइंड हैव बीन
टेंग फॉर्म या तो ये हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म अगर आ गया तो पैसिवाइज होगा, ध्यान में रखिएगा ये टेंग फॉर्म होना बहुत जरूरी है। हेल्पिंग के बाद आई एन जी फॉर्म जिसे आप कहते हैं ना प्रोग्रेसिव, तो ये फोर्थ फॉर्म भी क्या, तो जब तक ये नहीं है तो हेल्पिंग के बाद ये फॉर्म होनी जरूरी है, तब जाके ये परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अब पास कंटिन्यूस क्या होगा, कैसे होगा पास कंटिन्यूस के बताइए ना। अब मैं बताता हूँ पास कंटिन्यूस के बहुत सिंपल तरीका, ये जो सामने लगता है हूं को अगर आप करते हैं, करती रही थी, क्या करते हैं थी, काम करती रही थी, पास हो गया है। और अगर यहां पर हैव को हेड कर दे पास, गॉट इट, सिंपल। याद रखिए एक सेंटेंस को एक टेंस को आप जस्ट मेक योर सेल्फ परफेक्ट बन। तो बेटा ये आप रखिए कि एक टेंस में आप अपने आप को एक्सपर्ट कर दें, उसके बाद आपको सिर्फ चेंज करने के लिए एक चीज चाहिए होगी, हेल्पिंग वर्ब तब्दील करना होगा। हेल्पिंग वर्ब वो चीज है जो टेंस तब्दील कर देता है। प्रेजेंट में परफेक्ट करने अपने आपको तो पास के लिए सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब बदलना होगा, पास क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है उसी सेंटेंस में, और फ्यूचर का। रिमेंबर दैट माय वॉइस, इफ यू पे योर अटेंशन टू दिस माइनर थिंग, छोटी छोटी बातों पर अगर तवज्जो दें तो टेंसेस आर नो प्रॉब्लम, एंड द ट्रांसलेशन विल आल्सो बी नॉट एनी प्रॉब्लम। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके मजीद डिटेल में लिखेंगे और बताएंगे कि आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।